अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एसी कौन सा लें। हर घर का मसला है कि जरूरत है, एसी कौन सा खरीदें, ऐसा एसी कौन सी किस्म का होना चाहिए। तो एसी बहुत सी किस्म के, हम कुछ किस्मों की बात करेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि ये पोर्टेबल एसी है, जो पौने टन का है, ये हर घर में इस्तेमाल हो सकता है। छोटे कमरे के लिए मौजूद है, इसको ज़्यादा एसी भी कहते हैं। इसमें दो तीन किस्में हैं, 15 से 20 हज़ार में आ सकता है, तो ये हर घर अफोर्ड कर सकता है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। इसके अलावा स्प्लिट एसी है, जो कि आम हर घर में इस्तेमाल होता है। स्प्लिट ही एक आम चीज़ है, ये हर घर में होता है। इसमें भी दो तीन किस्में, 1 टन 1.5 टन, इसमें घर के कमरे के हिसाब से होता है। छोटा कमरा है 10 बाय 10 से 12 बाय 12, तकरीबन 1 टन का बहुत होता है, उससे बड़े के लिए 1.5 टन हो। आम जो होता है 1 टन का स्प्लिट एसी है, तो इसमें इनर अंदर लगाया जाता है और आउटर छत पर लगाया जाता है, क्योंकि घरों में आजकल जगह नहीं होती, फ्लैट होते हैं, तो इसलिए स्प्लिट एसी मौजूद होता है। पोर्टेबल के लिए बैक साइड पे जगह चाहिए, तकरीबन मौजू उस पर एसी स्प्लिट टाइप एसी है, तो आप कमरे के साथ लगा लें कि इसमें 1 टन छोटा कमरा 1 टन बोर्ड होता है। इसमें भी डीसी इन्वर्टर टाइप भी आते हैं, सादा भी आते हैं, तो वो आपने पहले सर्च करनी है चीज़ को, क्योंकि आजकल हर चीज़ आपको सर्च करने से मिल जाती है। पहले आप सर्च किया करेंगे कौन सा एसी मौजू है, बिजली कम है या बिल के हिसाब से लगाना पड़ता है। अब दूसरा एसी विंडो टाइप है, ये पुराने एसी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए जगह चाहिए, उनका लोड भी ज़्यादा है, बिजली इनको पूरी चाहिए। अब इसको विंडो एसी बोलते हैं, क्योंकि खिड़की लगानी पड़ती है, बैक साइड खाली करनी पड़ती है। आपको पता है कि लोगों के घरों में आजकल गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं होती, बैक साइड खाली नहीं होती, तो लिहाजा स्प्लिट एसी मौजू है। सिर्फ आपने सोचना समझना है कि कमरा कितना बड़ा है छोटा है। ज़्यादा बड़ा एसी लेने का भी फ़ायदा नहीं होता, पास कमरे नीचे होते ऊँचे होते हैं, तो सोच समझ के लेना चाहिए। तो स्प्लिट एसी मौजू है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो देने का बहुत बहुत शुक्रिया।